नमस्कार, आप देख रहे हैं खास खबर। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। दिल्ली में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। सरकार की तमाम वार्ताओं के बावजूद नए कृषि बिल को लेकर किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसानों की मांग है कि सरकार इन तीनों कानूनों को वापस ले, लेकिन सरकार कानून वापस लेने की बजाय संशोधन के प्रस्ताव को सामने रख रही है। इस बीच किसान संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें किसानों की तरफ से तीनों कृषि बिलों को चुनौती दी गई है। इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया और किसानों से उन्हें सुनने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, मंत्रिमंडल के मेरे दो सहयोगी नरेंद्र सिंह तोमर जी और पीयूष गोयल जी ने नए कृषि कानूनों और किसानों की मांगों को लेकर विस्तार से बात की है, इसे जरूर सुने। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा के काफिले पर पथराव के बाद बंगाल की राजनीति गरमाई हुई है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इस हमले को लेकर बार बार बीजेपी पर निशाना साध रही है। अब अमित शाह के बंगाल दौरे को लेकर बंगाल की सियासी पारा और बढ़ गया है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 19 दिसंबर को 2 दिवसीय बंगाल के दौरे पर हैं। इससे पहले जब अमित शाह बंगाल के दौरे पर गए थे तो उसकी घोषणा पहले ही कर दी गई थी, लेकिन अब अचानक फिर से बंगाल के दौरे को लेकर अलग से मायने लगाए जा रहे हैं। अमित शाह के इस दौरे को बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर हुए हमले से जोड़कर देखा जा रहा है। देश भर में जहां कोरोना का कहर जारी है, वहीं दिल्ली से एक अच्छी खबर आई है। दिल्ली में कोरोना के मामलों की संख्या में बड़ी गिरावट आई है। गुरुवार को यहां सिर्फ 1575 मरीज मिले, जबकि 3307 ठीक हुए। 61 मरीजों की मौत हुई। पिछले महीने संक्रमितों का यह आंकड़ा रोजाना 7 से 8 हजार था। covid19india.org के मुताबिक देश में अब तक 97.97 लाख केस आ चुके हैं, जिसमें से 92.90 लाख ठीक हो चुके हैं। भारत और नेपाल गुरुवार को दिल्ली और काठमांडू के बीच दोबारा उड़ान शुरू करने जा रहा है। जुलाई के बाद से भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी समेत 20 से ज्यादा देशों के साथ एयर बबल किए। इससे पहले कोरोना के कारण अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को सस्पेंड कर दिया गया था। हरियाणा में अगले हफ्ते से सीनियर स्कूलों में क्लास लगनी शुरू हो जाएगी। प्रदेश सरकार ने गुरुवार को यह जानकारी दी। स्टूडेंट्स को क्लास में आने से पहले कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। यह रिपोर्ट 72 घंटों से ज्यादा पुरानी होनी चाहिए। तो चलिए अब मौसम का हाल जान लेते हैं। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार दिल्ली NCR में बारिश हो सकती है। इसी के साथ वेस्ट UP के कुछ शहरों में भी हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। पूर्वी UP और लखनऊ में फिलहाल धुंध से राहत नहीं मिलने की उम्मीद है। ऐसे में खिलखिलाती धूप भी लोगों को नहीं मिलने वाली। हालांकि बारिश के चलते तापमान में गिरावट आ सकती है। मौजूदा समय में जो तापमान है 28 से 29 डिग्री के आसपास है, वह 24 से 25 डिग्री तक सिमट सकता है। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। नमस्कार।